स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां सदर प्रखंड बराही पंचायत से मजदूरों को पंजाब के पटियाला ले जा रही एक बस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार देर रात बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण सड़क हादसे से मधेपुरा के 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर दुर्घटना की खबर मिलते ही गाँव में मातम का माहौल छा गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे सदर प्रखंड के बराही वार्ड नंबर 4 से दर्जनों मजदूर पंजाब के पटियाला मजदूरी करने रवाना हुए थे। रात 2 बजे यूपी के कुशीनगर जिले के हाटा के बागनाथ चौराहे के पास ड्राइवर की आंख लग गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक बालू लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक का मौत सदर अस्पताल में हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में बड़ाही के हृदय सादा, पूरन सादा, सुशील सादा और बेलारी के संदीप सादा है। वहीं 4 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज वहां चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से हर वर्ष खेती के सीजन में बड़ी संख्या में लोग पंजाब जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं और कुछ दिन बाद वापस घर लौटते हैं। इधर इस घटना के बाद से ही बड़ाही में मातमी सन्नाटा छा गया है। देखें रिपोर्ट। जानकारी तो यही मिली है कि मान लीजिए सब पंजाब जा रहे थे पटियाला, ये लोग बस से रुपाई करने के लिए, ठीक है। कल 1:30 बजे रात में यहाँ सूचना मिला कि घटना हो गया है बस से। कितने लोग? 3 लोग का मृत्यु हो गया, 40-50 आदमी घायल। सभी मजदूर वर्ग के लोग थे जी। तो वहाँ पे क्या जाते थे रुपाई करके अपना घर बसर। अच्छा, तो उन लोगों से कोई बातचीत हो पा रही है वहाँ पे? अभी नहीं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जो घायल है उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है, क्लिनिक में चल रहा है। देखिए, यहाँ से ये लोग लगभग कल दिन में जो है सो निकला था 100 आदमी के आसपास, बस से पटियाला जा रहा था सभी आदमी। बराही वार्ड नंबर 4 का सभी हरिजन बस्ती का सभी आदमी था। और दुर्घटना जो है सो यह यूपी पहुंचने के बाद जो है सो सिवान से आगे और गोरखपुर से पीछे, उस बीच में यह दुर्घटना घटी है। रात के लगभग 1 बजे कोई डंपर में बस धक्का मार दिया, जिसमें 3 आदमी लगभग जो है सो उसमें डेथ हो चुका है उनका। पहला है हृदय सादा, दूसरा है पूरन सादा और तीसरा है सुशील सादा। और लगभग 70-75 आदमी घायल हैं, जिनका कि इलाज वहां के निकटतम अस्पताल में चल रहा है। और यही जानकारी हम लोगों को अभी तक प्राप्त हो पाई है। जितने भी लोग थे सब लोग इसी गांव के थे? हाँ, लगभग इसी गांव के सारे आदमी थे। कुछ आदमी जो 70-75 तो यहीं के थे, और बाहरी आदमी भी उस बस में सवार थे। अब तक कितने लोग घायल हैं? घायलों की संख्या तो लगभग सारे को सारे घायल ही हैं उसमें, 40-50 आदमी को तो निश्चित रूप से घायल हैं। बातचीत हो पा रही है उन लोगों से किसी से? बातचीत तो अभी तक उन लोगों से किसी से हो नहीं पाई है। उसका कारण क्या हुआ कि सभी लोगों का मोबाइल वगैरह जो है तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, क्षतिग्रस्त है। यहाँ जानकारी कब मिला इस तरह घटना हुआ? यह लगभग 1:30 बजे रात में, रात्रि में ही हम लोगों को इस जानकारी हो चुकी थी कि इस तरह की बात हुई है। तो ये लोग हर साल जाते थे? जी हाँ, इन लोगों का प्रत्येक साल जाना होता था इस समय में धान के रोपाई करने के लिए।